बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, क्या हाल है आपके। उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे और खुशहाल होंगे। मैं हूं कुनाल। तो आज हम कर रहे हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का एपिसोड नंबर 16। हमने 15 एपिसोड कर लिए थे, तो आज हम 16 एपिसोड करेंगे। और काफ़ी कुछ जानने को मिल रहा है सीरीज़ में, और बहुत कुछ है। मतलब कैसे हज़रत यूसुफ़ का ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब बच्चे से बड़े होते हुए तक का सफ़र दिखाया है। जब वो छोटे बच्चे थे तब बताया कि क्या क्या, मतलब उनको कोई बंदा एक नज़र देखता था ना, तो वो उनका एक, क्या कहूँ, एक तरह से ना, मुझे वर्ड नहीं मिल रहा, दीवाना, कायल, बिल्कुल कायल कह लो या दीवाना, तो चलो थोड़ा अलग वर्ड हो जाएगा, कायल हो जाता था। क्योंकि उनका हुस्न ही ऐसा था ना, क्योंकि अल्लाह, जितने भी नबी आए ना, हर नबी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो सबसे दुनिया में अलग ही है। किसी नबी का इल्म बहुत ज़्यादा है, तो किसी नबी के पास कि मुर्दों को जिंदा करने की ताकत है, तो किसी नबी के पास डायरेक्ट अल्लाह से बात करने की वो है कि वो डायरेक्ट अल्लाह से बात कर सकते हैं, हज़रत मूसा जैसे कि। तो अब और किसी किसी को और कोई नबी है जैसे हज़रत यूसुफ़, जो दिखने में इतने खूबसूरत है कि अगर आप एक बार देख लो तो आप देखते ही रह जाओगे। और ये अपने अच्छे काम से और अपने अखलाक जो होते हैं, अच्छे अखलाक, उससे पूरी दुनिया पर, मतलब पूरे जो भी वहाँ लोग हैं उन सब पर इन्होंने अपना नाम बना लिया एक इतनी छोटी एज में। तो मैं वाकई में बहुत एक्साइटेड हूँ पार्ट 16 देखने के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं। और नियर फ्यूचर जंग भी है, नियर फ्यूचर दो, एक तो मिस्र की फ़ौज में और एक दूसरी फ़ौज में जंग भी है, तो उसके लिए भी मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। फटाफट जंग हो, फिर उसके बाद हजरत यूसुफ़ हज़रत याकूब के पास जाएँ और अपने भाइयों के पास जाएँ, वो चीज़ देखनी है कि उस टाइम उनके भाई कैसा रिएक्ट करते हैं या क्या करते हैं उस टाइम उनके भाई। तो स्टार्ट करते हैं हम एपिसोड 16। आखिर तुमने होया और सुफर को उनके साथ का तुम पर बहाल कर ही दिया। पेशकार आला के ओहदे के होते हुए मैं अपने साबिका उमूर यानी किताब खानी और सुफरेदारी को बखूबी अंजाम नहीं दे सकता। अगर इजाजत हो तो रोजमर्रा उमूर की गुजारिश शायद आपकी खिदमत में पेश कर दूं। हमने तुम्हें अपना पेशकार आला मुंतखब किया है ताकि कसर के जुमला उमूर मसाइल की तरफ से आसूदा खातिर हो जाए। तुम्हें गुजारिशात पेश करने की कोई जरूरत नहीं, हमें तुम पर मुकम्मल भरोसा है। खुदा करे कि मैं आपके इस यकीन और एतमाद पर पूरा उतरूं। तुम एही रखते हो, अगर नारक से होते तो इस मकाम तक ना पहुंचते। तंगी को अगर सर पर जगह दी जाती है तो महज इसलिए कि वो गिरा कुशाई करती है। युजार दूसरों की तवज्जो का मरकज रही है। यकीनन तुमने जुलेखा की हिस्से सताइश को भड़का कर तमाम साकिनाने कसर के हिस्से सताइश को भड़का दिया है। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि युजारसी इस वक्त तमाम अहले कसर के दिलों पर हुकूमत कर रही है। मैं खुद को इन लुत्फ इनायात के काबिल नहीं समझता, और अगर कोई काम मेरे हाथों अंजाम पाया है तो वो मेरा फर्ज था। अगर आली जनाब पुतिफार इजाजत फरमाए तो मैं उनके हुजूर से रुखसत चाहूंगा। कसम तुम्हें आम दुरफ्त के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं, जब और जहां चाहो जिस वक्त चाहो आ जा सकते हो, कोई पाबंदी नहीं। शुक्रगुजार हूं। कसर, कोई बात हो गई है? युजार शीफ पहले तो हमारे साथ बड़ी अपनाइयों से मिला करता था, लेकिन अब मैं काफी अरसे से महसूस कर रही हूं कि वो नजरें चुराने लगा है। मुझे यकीन है कि जो कुछ भी है वो महज युजार शीफ की शर्म हया के बाइस है।
वो अब बचा नहीं रहा। वो खूबरू हसीनाओं के चेहरों पर नजर डालने को बेअदबी और बेहयाई शुमार करता है। मैं उसके रवैये को अपनी तौहीन शुमार करती हूँ। शायद उसे इस बात का खौफ हो कि जुलेखा की इन हसीन आंखों में देखने से कहीं वो उसके इश्क में गिरफ्तार ना हो जाए। आप तो हमेशा हर बात को मजाक में डाल देते हैं। मैंने तो हकीकत बयान की है। हसीनाओं की तीरे निगाह से हमेशा बचना चाहिए। रात हो चुकी है और मैं बहुत थकी हुई हूँ, लिहाजा आराम करना चाहती हूँ, कोई मुखिल ना हो। आप इस्तराहत फरमाइए, मैं यहाँ हूँ बानो, तुम भी जा सकती हो, इसकी जरूरत नहीं। तेरी पनाह में देता हूँ। मैं कमजोर नातवा हूँ और वसवसे डालने वाले शैतान के फितनों के मुकाबले सिवाय तेरी कोई पनाहगाह नहीं रखता। उमूर की अंजाम दही में मेरी तमाम तौजीफात और लोगों के दिलों का मेरी तरफ माइल होना, यह सब तेरी जानिब से है। मैं तुझसे इल्तजा करता हूँ कि मुझे मेरे हाल पर मत छोड़ देना। परवरदिगारा, कहीं ऐसा ना हो कि इस वसी फैलाए हुए जाल के ताने बाने में उलझ कर रह जाऊं और ऐसे में मेरा कोई मददगार भी ना हो। ये आसान नहीं है इतना ज्यादा। अगर आपके ऊपर फोकस हो, हर बंदा आपके ऊपर देखे और आपके ऊपर कायल हो जाए, तो इतना सब कुछ वो चीज संभालना ना, वो मुश्किल है। वो प्रेशर बहुत मुश्किल है वाकई में। चाहती हूँ बानो, मुझे माफ कर दीजिए, मैं मजबूर थी। देखा, मैंने कहा था ना कि वो हमारे खुदाओं को नहीं मानता, कहा था कि वो काफिर है। हमें काहिन आजम आख माहो और जनाबे पुतिफार को यहाँ बुलाकर दिखाना चाहिए ताकि वो हकीकत को नजदीक से देख ले। अगर यूसार जी के ईमान से मतलब एक लफ्ज भी मुझसे निकाला या उसकी जान को किसी किस्म का खतरा पहुंचाने की कोशिश की, तो मैं खुद आपकी जान ले लूंगी। मुझे उसके ईमान से कोई सरोकार नहीं। सुना तुमने?
लेकिन बानो, मैं तो आपके लिए फिक्रमंद हूँ। वो आपके ईमान को नुकसान पहुंचा सकता है। ये आपका मसला नहीं है, आप मेरी खात्मा हैं। तो फिर आपको मेरा मुती होना चाहिए, और अगर अपनी ही मर्जी के मुताबिक अमल करना चाहती हैं तो अभी बता दें, ताकि आपके बारे में कोई हद में फैसला किया जाए। बेहतर बेहतर। मैं युद्ध आशीष के हवाले से कुछ न देखा न सुना। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये राज राज ही रहेगा। ये भी हार नहीं मानती है, भी पीछे पड़ी रहती है। रात गए कैसे आना हुआ? हम इबादत के लिए आए हैं। बेचारा पूछता ही रह गया। अमूल बुजुर्ग, अगर मैं युजार शरीफ को हासिल कर लूं तो बेश कीमत हदी और नजराने आपके कदमों पर निछावर कर दूंगी। मेरा तेरे सिवा कोई खुदा नहीं है, मेरी मदद फरमा। मैं उसे चाहती हूँ, वो मेरी मलकियत है, मेरा सर खरीद गुलाम है। कुछ ऐसा करके वो मेरे हुक्म का ताबे हो जाए। क्या हुआ बानो हजूर? ये वक्त आमूल के आराम का है, इतनी रात गए। उनके आराम में किसी तरह भी मुखिल होना मुनासिब नहीं। आप समझ रही है ना मेरी बात को? मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर आपकी दुआ से मेरी हाजत रवा हो गई तो मैं आपकी और आमूल की खिदमत में कीमती नजराने पेश करूँगी। मगर ये दुआ तो आमूल से सुबह भी की जा सकती है। मैं आमोन को अमानतन लिए जा रही हूँ। मैं आज रात इसे राजो न्यास करना चाहती हूँ।
मालूम नहीं क्यों आमून मेरी मदद नहीं करता। क्या मैं उसके मावत की देवी नहीं हूँ? मालूम हुजूर, अगर आमून की करम नवाजी ना होती तो आप इतनी इज्जत इकराम की हामिल ना होती। ये आमून ही है जिसने आपको तमाम जनाने मिस्र पर बरतरी और तमाम सातनाने कसर पर सरवरी अदा की है। कैसी फजूल बातें कर रही हो, कौन सी बरतरी, कैसी सरवरी? इसने तो मुझे एक सर खरीद गुलाम के सामने इतना हकीर कर दिया है जैसे कोई कोड़ी या जजामी हूँ कि जिस पर एक नजर डालना भी गवारा नहीं। जनाने बैसर और साकिनाने कसर पर बरतरी और सरवरी, मुझे तो बस उस इब्रानी गुलाम पर सरवरी अदा कर दे, मेरे लिए यही काफी है। ताज्जुब है, आप क्यों खुद को इस कदर बेबस और लाचार जाहिर कर रही हैं? आप इस कसर के बानों और यूजार सिर्फ के मालिक मुख्तार हैं। एक मालिक अपने गुलाम के बारे में हर तरह का फैसला लेने का अख्तियार रखता है। बजाय मोहब्बत की भीख मांगने के आप अपने इक्तदार और अख्तियार को क्यों बढ़ुए कार नहीं लाती? वाकई गुलाम की मोहब्बत मेरे लिए क्या हैसियत रखती है, मैं उसकी मुतमन्नी हूँ जो बेशक मेरे अपने दायरे अख्तियार में है और उसमें हुक्म उदूली की जरूरत भी नहीं। ए आमून बुजुर्ग, उस इब्रानी गुलाम के उसूल में मेरी मदद फरमा। अगर तू मुझ पर यह कर्म करके मुझे युजासी तक पहुंचा दे तो मैं सैकड़ों सीखे मापते आमून की खिदमत में बतौर नजराना पेश करूंगी। इस कमरे को बेहतरीन तर्ज पर मुसय्यन करके मुझे खबर करो। सितीना, कैसन की आवाज आपके आराम में खलल पैदा कर रही है बानो हुजूर। नहीं, यहाँ से गुजर रही थी कि कैसन की रोने की आवाज आई। क्या हुआ, क्यों रो रहा है? मालूम नहीं, पेट भी भरा हुआ है और लिबास भी खुश्क है, फिर भी मालूम नहीं क्यों इस कदर रो रहा है। अजीब बात है, चंद दिन पहले ही जनाब युजासी ने कैसीन के सर पर अपना हाथ फेरा तो वो एकदम चुप होकर हंसने लगा। युजासी का दस्ते मसीहाए सभी के लिए आराम बख्श है। आप रात के एक पहर यहाँ क्या कर रही हैं? शायद कैसीन की तरह मेरी नींद भी उड़ गई है। युजासी को यहाँ बुलाओ और जब वो आ जाए तो सातों दरवाजों को बंद कर देना। तामा और त्यामिनी और दीगर गुलामों कनीजों को भी यहाँ से दूर हटा दो। मैंने क्या ही चाहती है ये?
बानो जुलेखा ने आपको याद फरमाया है। आप चलिए, मैं आता हूं। मैं 7 दरवाजे वाली राहदारी के पास आपकी मुंतजर खड़ी हूं। मुझे तन्हा मत छोड़ना, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। अब क्या हुआ इसे सतीना, कैसे क्यों रो रहा है? पता नहीं क्यों ये चुप ही नहीं हो रहा, शायद ये आपकी दस्ते नवाजिश का मुंतजिर है। क्या हुआ, ये आज चुप क्यों नहीं हुआ? शायद इसके रोने और बेचैनी की वजह कुछ और ही है, या शायद इसकी पाक और लतीफ रूह किसी नागवार वाके की खबर दे रही है। क्या कोई हादसा रूनुमा होने वाला है? क्या कैसिन इसी वाक्य की वजह से बेचैन है? ये कमरा जो देख रहे हो, ये जुलेखा और पुतिफार के नहायत ही करीब और अजीज तरीन मेहमानों के लिए मख्तस है। इस कमरे तक आने के लिए इन 7 दरवाजों से जहाँ से हम गुजर रहे हैं गुजरना पड़ता है। इन 7 दरवाजों पर मजबूत कुफल लगे हुए हैं कि अगर ये दरवाजे मुकफल हो तो किसी को इस कमरे में आमद रफ्त मजा दे। इन दरवाजों की चाबी सिर्फ बानो जुलेखा के पास होती है। बानो जुलेखा का हुक्म है? तुम जानते हो ना कि तुम मेरे गुलाम हो? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये भी जानते हो कि गुलाम को चाहिए अपने मालिक की अताअत करे। क्या अब तक अताअत में कोई कमी देखी है आपने? आज भी तुम्हें अताअत करनी होगी। मेरे लायक अगर कोई खिदमत है तो मैं हाजिर हूं।
मैंने खुद को तुम्हारे लिए आमादा किया है। खुदा की पनाह मांगता हूं, आखिर आप मुझसे चाहती क्या है? खयानत? मैंने आपसे कहा कि मैं आपकी इताअत करूंगा, लेकिन इताअत और खयानत में बड़ा फर्क है। आखिर आप क्या चाहती हैं? मैं तुमसे तुम्हें चाहती हूँ। आपके शौहर सारा साल मुझसे मोहब्बत से पेश आए और मुझे बुलंद मकाम और मर्तबा अदा किया, अब मैं उन्हीं के साथ खयानत करूं? तुमसे मोहब्बत से पेश आने में मैंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं आपका और आपके शौहर का ममनून और मशकूर हूँ, लेकिन क्या आप मुझसे ये तवक्को रखते हैं कि मैं आपकी मोहब्बतों का सिला गुनाह और खयानत की सूरत में दूं? तुम मेरे एहसान मंद हो और तुम्हें मेरी मोहब्बतों का सिला देना होगा, और बहैसियत गुलाम के तुम मजबूर हो मेरी अताअत करो। जिसने आपको मुझ पर मेहरबान किया वो मेरा खालिक है, और मैं आपसे कहीं ज्यादा और आपसे बहुत पहले उसके लुत्फ और करम और इनायत का एहसान मंद हूँ। मैंने खुद को इज्जत की बुलंदी से जिल्लत की इस पस्ती में गिरा डाला सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए, और अब मैं दस पत्तार होने वाली नहीं। मैं अपने इस्मत और निजाबत के गौहर को इन आर्जी ऐश और इशरत से नहीं बदलूंगा। मेरे और तुम्हारे सिवा इस राज से कोई बाखबर नहीं होगा। और खुदा की निगाहों से खुद को कैसे छुपाएंगे? अच्छा तो तुम्हें खुदाओं से खौफ़ज़दा हो, मुझे भी उससे हया है, इसमें कौन सी मुश्किल है? मैं तुम्हारी निगाहों की ताक नहीं ला सकती, मुझे माफ कर देना मोने बुजुर्ग। आप वो हमारे गुनाह का शाहिद नहीं है। मुझे खौफ उस खुदा का है जो हाजिर नाजिर और कादिर है। इस धाती मुजस्मे का खौफ हिमाकत और नादानी के सिवा कुछ नहीं। तुम मुझे अहमक को नादान कह रहे हो? तुम जैसे सैकड़ों को तो मैं अपनी ठोकर पे रखती हूँ, तुम तो मेरे घोड़ों की खलासत तक साफ करने के काबिल नहीं, और आमून बुजुर्ग की अतात को हिमाकत की अलामत समझते हो। मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ और तुम मजबूर हो के मेरी अतात करो, वरना मैं तुम्हें यही दफन कर दूंगी। कुछ भी हो मैं आपके हुक्म की अताअत वहीं तक करूंगा जहां तक हुक्म खुदा पामाल न हो। बस आप जैसों से निपटने के लिए तंबीह और मुकाबला ही बेहतरीन राह हल है। सख्त सजा ही असीज शहवत को ख्वाब गफलत से बेदार करती है। ऐ नबी खुदा, ये पैगाम खुदावंद यक्ता की जानिब से है, हमने तुम्हें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ा है। जुलेखा जैसों से तंबी और मुकाबले से इज्तनाब करो, क्योंकि अगले ही चंद लम्हों बाद वो कहेगी कि क्योंकि यूसुफ ने देखा कि उसकी ख्वाहिश पूरी होती नजर नहीं आ रही तो जबरदस्ती पर उतर आए, और उस वक्त तुम जुर्म के मुर्तकब करार पाओगे। वो शैतानी अमाजगा से दरवाजे की तरफ आओ। ऐ नबी खुदा, ये पैगाम खुदावंद यक्ता की जानिब से, दरवाजे की जानिब भागो। भागने का कोई रास्ता नहीं, तुम अताअत करने पर मजबूर। अरे वाह, डोर खुल गया।
कुछ ऐसा है जो वजाहत तलब है। सुन रहा हूं, क्या कोई कुछ बताएगा? वाही हो हम पर, हमारी मोहब्बतों का ये सिला है। देख रहे हो, देख रहे हो आपकी बीवी के साथ क्या सलूक किया गया है। जो आपकी बीवी पर बुरी नजर रखता हो उसकी सजा इसके सिवा और क्या है कि इसको कैद किया जाए या दर्दनाक अजाब दिया जाए। लेकिन ये बानो ज़ुलैखा थी जो मुझे अपनी तरफ मायल करना चाहती थी। मैंने खुद देखा है कि यूसुफ गलत इरादे से बानो ज़ुलैखा के कमरे में दाखिल हुआ। अली जनाब, मैं जानता हूँ कोई भी दलील ले आऊँ आपके लिए काबिल कबूल नहीं होगी, और यहाँ तो बात आपके नामूस के तहफ़ की है। जाहिर है कि आप अपनी बीवी के हक में ही फैसला देंगे, किसी और में भी बानो ज़ुलैखा के खिलाफ शहादत देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुमकिन है उनके गुस्से की आग में जल कर खाकस्तर हो जाएं। मेरे गुस्से को मजीद हवा मत दो। अगर तुम्हारे पास कोई दलील या गवाह है तो बताओ, ताकि मालूम हो कि गुनहगार कौन है। मेरे पास ना अपनी बेगुनाही का कोई सबूत है और ना ही कोई खादमा मेरे हक में शहादत देगी। तो फिर तुम मुजरिम हो और सजा के मुस्तहिक हो। मुझ पर पहले ही इताअत न करने का इल्जाम है, लेकिन हकीकत वही है जो मैंने बयान की। इन्होंने खुद मुझे तलब किया और मुझे अपनी जानिब माइल करना चाहा। मेरे पास सिवाय अपने खुदा की कोई गवाह नहीं। तुम ज़ुलैखा के कमरे में दाखिल हुए, कारी मामा गवाह है। सब जानते हैं कि बानो को सुलवा रहे, मगर किसी ने भी अपने गवाह से कहो कि यहाँ हाजिर होकर शहादत दे। इस वक्त तो मेरा खुदा ही मेरा शाहिद है, अगर वो मुझे तनहा छोड़ दे तो सख्त तरीन आजमाइश मेरी मुंतजर होगी। आप इस गुलाम की बातों पर यकीन तो नहीं करोगे ना? अगर तुम अपनी बेगुनाही साबित ना कर सके तो अभी इसी लम्हे अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। आली जनाब, मैंने देखा कि युजार सिर्फ कसर की राहदारी से आए और कैसिल वही बच्चा है जिसके रोने की आवाज आ रही है, और उसे बहलाया और फिर इस राहदारी में दाखिल हुए और दरवाजा बंद कर दिया। मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी कि उसे अपने सर पर खड़ा देखा। जब चिल्लाई और मदद को पुकारा तो ये भाग खड़ा हुआ। दमून को यहां बुलाओ। युजार सीफ को अभी और इसी वक्त सजा मिलनी चाहिए। उन्हें दोना मुझे छोड़ो, मुझे बच्चा रो रहा था। मेरा शाहिद है। कहाँ है? हमारा गवाह कौन है? अभी और इसी वक्त उसे हाजिर करो। जी जनाब, मैं ऐसा गवाह हाजिर खिदमत करूंगा जो ना मुझे पहचानता है, जो मेरी हिमायत करे और ना ही बानुको की दुश्मनी करे। वो तोते की तरह फर फर बोलेगा और ये भी समझ ना पाएगा कि किसके हक में और किसके खिलाफ में बोला है। और दूसरे, ये रिश्तेदार भी बानो ज़ुलैखा का है। यकीनन उसकी शहादत बानो के हक में होनी चाहिए। बताओ कौन है वो? इससे पहले कि सजा पाओ उसे हाजिर करो। मेरा गवाह वो बच्चा है जिसके रोने की आवाज आप सुन रहे हैं। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं आपसे इल्तजा करता हूँ, मेरी इन तमाम तर खिदमात के खातिर जो मैं आपके खातिर बजा लाया हूँ, कि इस बच्चे को यहाँ बुलवाइए। वो छोटा बच्चा, इसमें कोई कबाहत नहीं, कहीं के लेकर आए।
बराली जनाब बूटी पार। ये रही मेरी भूपीजा सदीना और ये है कसीम। कहो कि गवाही दे। कसीम कलाम करो, जो कुछ मेरे खुदा ने तुम्हें सिखाया है बोलो। कसीम कलाम करो। हुक्म खालिक यक्ता उसका कलाम बयान करता हूँ। अगर कुत्ता सामने से पैदा हुआ हो तो बानू बेगुना और यूसुफ गुनाहगार है, और अगर उसका कुत्ता पीछे से पैदा हुआ हो तो बानू कसूरवार और यूसुफ बेगुना है। ये भी पसीने पसीने हो गए हजरत यूसुफ। ये मतलब वो डर वो खौफ। क्या बात की मेरे बच्चे। और जो बच्चा जो बोल भी नहीं सकता चल भी नहीं सकता, वो बच्चे ने पूरा कलाम मतलब पूरा बेगुनाही के बारे में बोल दिया और वाकई में कुर्ता पीछे से फटा हुआ है। बेशक ये तुम औरतों का मकर है और तुम्हारा मकर बड़ा मकर है। मैंने तुम पर जो तोहमत लगाई उसकी बाबत माफी चाहता हूं। उम्मीद है कि तुम मुझे और सुलेखा को माफ कर दोगे और इस माजरे को हमेशा के लिए इसी हरास में रखोगे। किसी और को भी इस वाक्य को बयान करने की इजाजत नहीं है। अगर किसी ने इस वाक्य को बयान किया तो वो सख्त सजा का मुस्तहिक होगा। जाओ। क्या हुआ, क्या हुआ था वहां? एक बच्चा। कसीम सितीना का बेटा। वो बोल उठा और तमाम वाकया खोल कर रख दिया। क्या एक नौजायदा बच्चा बोल सकता है? लेकिन वो बोलने लगा। आखिर आखिर ये कैसे हुआ? बस मुझे भी नहीं मालूम। यूज़ार सीफ ने उसे कहा और वो बात करने लगा। इससे भी ज्यादा जी बात है कि बच्चे ने कहा कि मैं हुक्म खुदावंद यक्ता कलाम कर रहा हूं। ये तो जादू है। अगर इसमें हकीकत भी हो तब भी ये जादू से ज्यादा कुछ भी नहीं। यूज़ार सीफ ने ना सिर्फ साकिनी ने कसर पर बल्कि उस बच्चे पर भी जादू कर दिया। अभी भी नहीं समझी है। ये समझने की कोशिश भी नहीं कर रही। किसी को मेरे खिलाफ शहादत देने की जरूरत ना थी सिवाय इस बच्चे के। ये तो जादू गई है। ये जार सिर्फ एक जादूगर है और उसको सजा बस करे करे मामा। ये दरवाजे मुकफ्फल न थे फिर वो कैसे भागा? सही बात है। डंडे इधर कैसे खोले? हैरानी तो यही है, उसने इन दरवाजों को हाथ तक नहीं लगाया मगर दरवाजे खुलते चले गए खुद ब खुद। मैंने नहीं कहा कि वो एक जादूगर है। जादूगर नहीं, मैंने उसे बचपन से पालकर बड़ा किया। वो किसी जादूगर और साहिर के पास नहीं गए। तो फिर ये दरवाजा, ये बच्चा। असल में यूज़ार सिर्फ कौन है?
जीना। मेरे लायक कोई हुक्म है अली जनाब? तुमने कैसे बात की, मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा। तुम यहां क्या कर रही हो, क्यों आना हुआ था? मैं मिनफी से बानो जुलेखा से मुलाकात के लिए आई थी। मुझे मालूम ना था ये वाकया पेश आ जाएगा, वरना हरगिज ना आती। तुम अपनी मामूजात जुलेखा से मिलने आई हो, इसमें क्या कबाहत है? बल्कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का मशकूर हूं। अगर तुम लोग ना होते तो जुलेखा के फरेब में आकर एक शरीफ और मासूम जवान के खून से मेरे हाथ रंग जाते। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने किस तरह बात की। छह माह के बच्चे ने गवाही दी। छह माह के बच्चे ने बात की, मैंने अपने कानों से सुना। मना किया था बताने को, इन्होंने फिर भी बता दिया। अगर ये खबर तमाम जगह फैल गई तो क्या करेंगे? उसके पीछे लगी हुई थी, मैंने खुद कसर में देखा। जब मैंने युजार सेफ से मुतालिक बात की तो जुलेखा बहुत नाराज हुई और महफिल से उठकर चली गई। पूरे शहर में उसके ताल्लुक से मुतालिक बातें हो रही हैं। कहां इतना गुरूर और घुमंड था कि किसी मर्द को खातिर में नहीं लाती थी, और कहां खुद को एक गुलाम के कदमों में घिरा डाला। सारे आमून और मिस्र के खुदाए अजीम और माबत की देवी खुद एक गुलाम की असीर हो गई, और वो भी एक बेगाने भेड़े चराने वाले गुलाम। ये तो बड़ी शर्म की बात है। कायने आजम माली जनाब आखमहू को भी इस वाक़े से बाखबर होना चाहिए। जनाब पुतिफार और बानो जुलेखा की इज्जत वक़ार अब इस वाक़े पर मुनहसर है। मतलब लोग जो है ना वो इस ताक में रहते हैं कि कुछ ना कुछ मिले और हम इनका गलत करें, इसी ताक में रहते हैं लोग। और ये वाकई में चमत्कार एक तरह से है कि छः माह का बच्चा दो बोल कैसे गया, और वो भी उसने बोला कि मैं अल्लाह का कलाम बोल रहा हूँ ये चीज़। और सोचने की बात है कि जब हज़रत यूसुफ़ भाग रहे थे, जब हज़रत जबरील ने उन्हें कहा कि डोर की तरफ आप भागो, तो लोग अपने आप खुली जा रहे थे। उस चीज़ से देख के बानों को अंदाज़ा हो जाना चाहिए और बाकी लोगों को भी अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये अल्लाह के नबी हैं।
डोर की तरफ भाग रहे हैं, एक खुला तो खुला, सारे डोर खुल रहे हैं, लास्ट जोर उन्होंने खुद आके खोला और उनके पीछे से उन्होंने ऐसे खींचा तो कपड़ा फट गया। बच्चे ने यही गवाही दी कि अगर उनके पीछे कपड़ा फटा हुआ है तो मतलब यह है कि बानो वो मुजरिम है। बट राजा का इंसाफ भी देख लो, अगर कोई गरीब होता तो उसी टाइम मौत की सज़ा, क्योंकि अपनी खुद की वाइफ है और अमीर घर से हैं तो उस चक्कर में ना उनको कोई सज़ा दिया है ना कुछ दिया, इवन कुछ बोला भी नहीं है। और बाकी लोग को कह रहा है कि अगर ये बात कहीं फैल गई तो तुम में से कोई बचेगा नहीं, ये बात बोल रहे हैं। और हालाँकि अब बात फैल गई है, वाक्य में बात फैल गई, तो अब देखते हैं कि बाकी बेचारों को सज़ा मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा। पर ऐसी बातें छुपती नहीं है वाकई में, जो ऐसे चमत्कार होते हैं ना, 6 महीने का बच्चा कैसे बोल गया, ये चीज़ ही चमत्कार है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता क्या नहीं होता। मतलब एक तो है कि पूरे मिस्र में एक लड़ाई होने वाली है, सेना में और दूसरी सेना, दोनों सेना में लड़ाई होने वाली है। दूसरा कि पोतीफार के घर पर ही कलेश होना स्टार्ट हो गया, सब चीज़ें होनी शुरू हो गई। तो अब घर का निपटाएंगे बाहर का निपटाएंगे, तो दोनों तरफ से फंसे हुए हैं। और जो बाकी लोग हैं वो कोशिश करेंगे कि उनकी नाम बिगाड़ा जाए, उनकी इज्जत मिट्टी मिलाई जाए। तो वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है वाकई में। तो ये था पार्ट 16, तो आपसे मिलते हैं पार्ट 17 में, तब तक के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।